व्यूवर्स को रीजंस बता देते हैं कि क्यों आज पावर स्टॉक्स में इतनी पावर दिख रही है। वमाक्षी हमारे साथ बनी हुई है बताने के लिए, उनके पास एक रिसर्च भी है। वमाक्षी बताएं, वमाक्षी हमारे साथ बने, ओके चलिए वमाक्षी से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल वमाक्षी से संपर्क हो चुका है, मुझे जो बता रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब। बताएं वमाक्षी, आप सुन पा रही हैं हमें? यस हाँ, बताएं क्या रीजंस है कि आज पावर स्टॉक्स में इतना करंट दिख रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो PFC एंड REC ये दोनों ही ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है। अगर हम अपडेट्स की बात करते हैं, कुछ अपडेट्स आए थे, पहले अपडेट देखते हैं PFC की तरफ से क्या आया है। तो PFC ने लार्जली कहा है कि उन्होंने एक MOU साइन किया है 2.37 लाख करोड़ का, और ये MOU साइन हुआ है 20 कंपनीज जो क्लीन एनर्जी स्पेस में ऑपरेट करते हैं उनके साथ। और ये MOU है सोलार, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, EV और ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के लिए। लार्जली अगर देखें तो कंपनीज जो है जिनके साथ ये MOU हुआ है वो इंक्लूड करते हैं अडानी, ग्रीन को और रिन्यू कंपनी जैसे दिग्गज नाम। REC की तरफ से क्या अपडेट आया है, आइए उस पर भी एक बार नज़र घुमा लेते हैं। तो लार्जली उनका कहना है कि उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है करीब 550,000 करोड़ की SJVN कर। इसके अलावा अगर हम देखें तो बोर्ड की बैठक भी होने जा रही है, वो प्रपोजल फंड रेजिंग का कंसिडर करने वाले हैं और डिविडेंड डिक्लेरेशन पर भी कंपनी की चर्चा करने वाली है। लार्जली ये थे अपडेट्स जो PFC एंड REC की तरफ से आ रहे हैं। मगर इसके अलावा अगर हम देखें काफ़ी ट्रिगर्स है ये दोनों स्टॉक्स के लिए, तो मैक्रो स्टेबिलिटी तो है ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी काफी अच्छा पुश नजर आ रहा है, और पावर वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स की बैलेंस शीट भी मजबूत होते हुए नजर आ रही है, जिसके चलते काफी मजबूत लेंडिंग स्टोरी हमारे सामने आ रही है। लार्जली इनफैक्ट एनालिस्ट का कहना है कि पावर सेक्टर में केपेक्स के चलते करीब 98,000 करोड़ की फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है FY 30 तक। और लार्जली PFC और REC दोनों ही कंपनीज काफी अच्छी तरीके से पोजिशन है ये अपॉर्चुनिटी पर कैपिटलाइज करने के लिए। ओवरऑल एसेट क्वालिटी की भी अगर हम बात करें तो PFC और REC दोनों ही कंपनीज की एसेट क्वालिटी सुधरती हुई नजर आई है। REC का GNPA पीक हुआ था FY 19 में 7.24% पर था, और अब वो अपने लोस पर आ चुका है 3.42% पर FY 23 में। PFC की अगर हम बात करें, GNPA 3.9% पर है FY 23 में, और ये 6-year लो का है, और ये मेनली एसेट रेजोल्यूशन जो हमने देखा था FY 20 से 23 तक करीब 17,100 करोड़ का, उसी के चलते देखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें काफ़ी अच्छे ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं, कंपनीज की तरफ से काफ़ी अच्छे अपडेट आ रहे हैं, और वैल्यूएशन भी ये काउंटर के लिए काफ़ी रीजनेबल है, और इसी के चलते PFC और REC ये दोनों ही काउंटर्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर है। तो REC PFC ऑल टाइम हाई लेवल पर हैं, और इनके लिए लगातार हम देख रहे हैं कि डिमांड की जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। कम से कम 2030 तक, जैसा कि वामाक्षी बता रही हैं, बड़े बड़े लोन ये डिसबर्स करते रहेंगे, और उसका फ़ायदा इन दोनों कंपनियों को मिलता रहेगा। SJVN को हाल फिलहाल इन्होंने 55,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज दिया है PFC ने, और हम देख रहे हैं कि ये जो SJVN का शेयर है ये भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। करीब से जरा श्रीकांत आप ही बताइए, क्या व्यू होना चाहिए INOX विंड पे? ये लगातार तेजी है, ये चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये शेयर अभी कहाँ तक जाएगा? बिल्कुल, तो अगर पावर सेक्टर की अगर बात करें स्पेसिफिकली, और इस बार अगर आप देखें तो जो तेजी बनी है वो बिल्कुल देखने लायक है और काबिले तारीफ है, बिकॉज कई सारे स्टॉक यानी कि पूरा का पूरा जो बास्केट है उसमें तेजी हमें देखने मिल रही है। स्पेशली जो भी विंड से रिलेटेड है वहां पे और भी तेजी बनी है, क्योंकि ये एक ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ सेक्टर हो जाता है और स्टॉक्स हो जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि फंडामेंटली और भी डेवलपमेंट्स हमें देखने मिलेंगे। करंट लेवल से मुझे लगता है कि जो एक बड़ा फॉल हमने इसमें देखा था 2015 से, अगर आप देखें तो 400 रुपए 500 रुपए के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता था, वहां से लगातार गिरते गिरते 20 रुपया हो गया था। अभी पूरे फॉल का रिट्रेसमेंट हमें लगता है कि ये स्टॉक ने शुरुआत कर लिया है, और अगर करंट लेवल से अगर इस पर्टिकुलर लेवल से अगर स्टॉक को और इसी रेंज के बेसिस पे या इसी फॉर्मेशन के बेसिस पे देखें तो मुझे लगता है कि कम से कम 260 के लेवल्स दिखा सकता है, एंड इन द बेस्ट केस सिनेरियो शायद 300 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 200 रुपए के करीब इसने अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस रखा था, उसे आज एब्जॉर्ब किया है, तो 200 रुपए के करीब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बेसिस पे हमें कुछ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के व्यू से बिल्कुल करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है।